हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल फ्रॉम कार डील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर डुपर बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, जो सबकी ड्रीम कार होती होगी। और जो आज की हमारी गाड़ी रहने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने शॉर्ट्स में तो वैसे देख ही ली होगी, बट अगर आप देखेंगे तो आज हम लेके आए हैं द ऑडी R8। और बहुत ही मिंट कंडीशन के अंदर है, बहुत कम चली हुई लेस ड्रिवन गाड़ी है ये। तो एक बार ही का वॉक अराउंड देता हूं मैं आपको, और उसके बाद इसके अंदर चल के बताऊंगा कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को DRL प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, इधर ऑडी की बैजिंग, बहुत ही छोटी हाइट है गाड़ी की। आप देखेंगे तो टू डोर कूप है ये ऑडी R8। अगर आप देखेंगे तो क्वाट्रो की बैजिंग मिल जाती है हमारे को, और फ्रंट में देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इस साइड से भी देखेंगे तो V10 की बैजिंग मिल जाती है हमारे को, और V8 इतना पावरफुल होता है तो आप सोच सकते हैं V10 के अंदर कितनी पावर होगी और वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता होगा। अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे को ब्रांड न्यू कंडीशन के लो प्रोफाइल टायर्स मिल जाते हैं, 19 इंचेस ऑडी के अलॉय हैं। अलॉय की अगर आप कंडीशन देखेंगे और अलॉयज देखेंगे तो कितने ही शानदार कंडीशन के अंदर और कितने ही खूबसूरत अलॉय हैं इस गाड़ी के। इस साइड से देखेंगे तो हमें साइड फोल्ड मिरर्स विद इंडिकेटर मिल जाते हैं। डोर हैंडल कितना ही प्रीमियम लुक के अंदर है इसका, और अगर साइड पे देखेंगे तो ये पूरा पैनल कार्बन फाइबर का है। और इधर से हम इधर हमारे को एयर पैसेज मिल जाता है, और इधर से देखेंगे तो पीछे बहुत ही इसका जो अगर जो इसकी जो बहुत ही खास बात है, इसका जो इंजन होता है वो बैक साइड पे होता है एंड फ्रंट साइड पे हमारे को कुछ बूट स्पेस मिल जाता है। इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साफ सुथरी है गाड़ी। पीछे से अगर आप आओगे तो पीछे हमारे को LED लाइट्स मिल जाती हैं, एंड ये स्पॉइलर मिल जाता है जो जिसका बंद करने का और खोलने का हमारे को अंदर ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे डुअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाता है गाड़ी के अंदर, प्लस बैक सेंसर्स एंड बैक कैमरा भी मिल जाता है हमारे को इस गाड़ी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसका इंजन पूरा पैक्ड है पीछे, और कितना ही पावरफुल इंजन लग रहा है ये आप देख सकते हैं। एंड सेम इस साइड से भी स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है गाड़ी। V10 की हमारे को यहाँ बैजिंग मिल जाती है, और बहुत ही शानदार इसके जो डोर हैंडल्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं, हर गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलते। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और कितनी ही शानदार है ये अंदर से। तो दोस्तों, मैं गाड़ी के अंदर आया हूँ तो स्पोर्ट्स कार की जो फील होती है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होती है। अगर आप देखेंगे इसके तो फ्रेमलेस डोर मिल जाते हैं हमारे को, बैंग एंड ओलफसन का हमारे को इसके अंदर बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करने वाला म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है गाड़ी के अंदर। लेदर सीट कवर्स की अगर आप क्वालिटी देखेंगे और कंडीशन देखेंगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है गाड़ी। डोर पे हमारे को उस साइड अगर आप देखेंगे तो ट्विटर्स एंड स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड पूरा ही ब्लैक कलर का इंटीरियर है गाड़ी का जो बहुत ही डैशिंग लुक दे रहा है। पूरा स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। फ्रंट में हमारे को एयर बैग्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, कंपनी फिटेड टच स्क्रीन स्टीरियो मिल जाता है, एंड क्लाइमेट कंट्रोल AC, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है गाड़ी। स्पोर्ट्स कार है तो स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं हमारे को। सेंटर में अगर देखेंगे तो स्पॉइलर का बटन मिल जाता है, एंड इधर पार्किंग सेंसर्स का बटन भी मिल जाता है, और ये पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने का बटन भी इधर ही हमारे को मिलता है। तो एक बार ही आते हैं ड्राइवर साइड पर और देखते हैं इस साइड पर हमारे को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइवर साइड पर देखेंगे तो सेम इधर भी फ्रेमलेस डोर मिल जाता है। पूरी गाड़ी अगर हम देखेंगे तो पूरी गाड़ी लेदर स्टिच्ड है, सॉफ्ट लेदर स्टिच्ड है, एंड बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। इधर आप देखेंगे तो ट्विटर की शेप भी बहुत अच्छी है, नीचे हमारे को स्पीकर मिल जाता है, इधर पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं हमारे को, इधर आप देखेंगे तो हेडलाइट्स का बटन मिल जाता है, और उसके बाद राइट साइड पर वाइपर्स के लिए, लेफ्ट साइड पर हमारे को लाइट्स के लिए मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, स्टीयरिंग पर भी एयर बैग मिल जाता है। बाकी एक बार ही अगर मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो अगर आप इसकी वॉइस सुनेंगे तो बहुत ही लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। मैं करता हूँ इसे स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग भी अराउंड 4 से 5 लाख रुपये की है। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या प्राइस है इस गाड़ी का। तो गाइज़, ये 2010 मॉडल ऑडी R8 है, कुछ 30,000 के अराउंड चली हुई है, कोई काम खर्चा नहीं है गाड़ी के अंदर, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और
स्क्रैचलेस मिंट कंडीशन के अंदर है, सिर्फ पेट्रोल डलाना है और चलानी है, ऐसी गाड़ी है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो हमने इसका प्राइस रखा सिर्फ 44,25,000 एंड विच इज़ नेगोशिएबल। आप एक बारी आइए और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, आपको पसंद आएगी और आप लेके ही जाओगे। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।